हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और आईपीओ से कब आईपीओ आने वाला है वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले भी बताया है वो आईपीओ आने वाला है और बताना चाहता हूँ कि उस आईपीओ के आने पर काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट में एक ऐसी कंपनी लिस्ट है कि उस जैसे ही आईपीओ आएगा, ओके, न्यूज़ भी न्यूज़ आई रही है उसकी, और जैसे ही वो आईपीओ के लिए अप्लाई कर देगी, अभी वो सेबी से अप्रूवल के लिए इंतज़ार कर रही है, और जैसे आईपीओ की डेट वगैरह सब चीज़ रिलीज होगी वो शेयर इतना भागेगा इतना भागेगा। मेरा टारगेट 10,000 रुपये का उसका टारगेट है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, और उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और बोनस भी देता हुआ हमें शायद वो शेयर आगे नज़र आ जाए। तो आइए उससे रिलेटेड बातें करते हैं, कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ है, क्या क्या इसमें कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और दूसरे लोगों को भी मार्केट में लेके आइए। अगर इन्वेस्टिंग पर्पज़ से नहीं, कम से कम उन्हें इस पर्पज़ से लेके आइए कि वो मार्केट को समझ सके, वो शेयर मार्केट को एक गैम्बलिंग ना समझ के एक इन्वेस्टिंग समझ के इसका फायदा उठा सके और नॉलेज कम से कम ले सके। अगर बात करें कल की डेट में, यहाँ पर आपको 2-3 वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट गेम स्टॉक का जैसा एक स्टेक स्टॉक इंडिया में भी है तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, और मेटल का एक स्टॉक था उसकी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चाहे आप डोनेट कर सकते हैं, एज वेल एज एक और लिंक है अगर बात करें यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग में, अगर आपका अकाउंट नहीं है और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, पहले मैं उसके रिटर्न्स दिखा देता हूँ। अगर हम देखें वन डे का रिटर्न्स नेगेटिव है, ओके, वन मंथ और 3 मंथ्स का नेगेटिव है, क्योंकि शेयर बहुत भागा है बहुत। अगर हम बात करें 1 साल की तो 113% के रिटर्न दे चुका है, 2 साल में 153, 3 साल में 300%, 4 साल में 450, 5 साल में 500%, और 10 साल की बात करें तो 1260% के रिटर्न दे चुका है। और जब कंटिन्यूसली इस तरीके के रिजल्ट एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी देती हुई हमें नज़र आती है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब जब इस कंपनी से रिलेटेड एक से बढ़कर एक न्यूज़ अगर बात करें पैरेलली साथ में चल रही है, तो उसी शेयर से रिलेटेड हम बातें और भी करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें उस शेयर से रिलेटेड, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस शेयर की बात करें 52 वीक हाई की बात करें 5,880 पे गया था, ओके, 6 जैन को। अगर बात करें 52 वीक लो की तो 13 अप्रैल को 2140 रुपये का ये शेयर चला करता था। अगर यहाँ पर देख लेते हैं लगभग 202,000 शेयर उठाए भी गए हैं, 30% के लगभग यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। और अगर यहाँ पर देखें कंपनी तो प्रमोटर्स के पास केवल 38% के शेयर है, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर पब्लिक FIIs DIIs तो इसमें भर भर के है, इसमें 61% की होल्डिंग रखते हैं और पब्लिक के पास ना के बराबर ही है FII DII HNIs का डेटा है बाकी अगर बात की जाए तो। अगर बात करें यहाँ पर आपके डिविडेंड की, तो देखिए 4 बार डिविडेंड दिया है कंपनी ने, आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं 4 बार डिविडेंड। और यहाँ पर कौन कितने शेयर गिरवी है, कोई भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी नहीं रख रखा है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तो बेहतरीन है ही है, बट यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कंपनी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2010 में और 2012 में A1:1 का यहाँ पर बोनस देती हुई भी कंपनी नज़र आई थी, मतलब कंपनी को बोनस दिए भी 9 साल हो गए हैं। और इस समय जिस तरीके हिसाब से कंपनी भाग रही है तो आपको आगे चल के बोनस की न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर बोनस की एटलीस्ट न्यूज़ नहीं मिली तो एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं फेस वैल्यू 10 का फेस वैल्यू है, तो शायद यहाँ पर फेस वैल्यू टूटते हुए दिखाए और हमें क्या कहते हैं 5 शेयर या तो 5:1 का या फिर 10:1 का जो भी रेशो में डिवाइड होगा उस रेशो में हमें शायद स्प्लिट होता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है इन्फो एज लिमिटेड, बट रुक जाइए इसकी बात नहीं करने वाले, इस शेयर को तो फ़ायदा होने वाला है। बात क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं हम एक कंपनी की, तो उस कंपनी का नाम है policybazaar.com इस कंपनी का नाम है। और ये क्या लाने वाली है, ये लाने वाली है अपना आईपीओ।
और इसके लिए ये प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुकी है। और मेरे ख्याल से अगर हम बात करें यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, जो कि कोविड वैक्सीन दवाई भी मतलब वैक्सीन बना रहा है, अगर बात करें तो IPO बॉन्ड इंश्योरेंस यूनिकॉर्न पॉलिसी बाजार एस्ट्रू नॉर्थ सेल पार्क स्टेक्स इन सेकेंडरी सेल, तो बात करें तो यहाँ पर ये अपनी ये इसमें हिस्सेदारी खरीद रहा है IPO आने से पहले ही। यहाँ पर देख सकते हैं आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया हैज ब्रॉट स्टेक इन द इनिशियल मतलब IPO के में ही ये इसमें पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट करेगा। और पॉलिसी बाजार काम क्या करता है तो देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस जो बिकता हुआ नजर आता है हर एक कंपनी के लिए ये काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग प्लान्स, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ, अगर बात की जाए गारंटी रिटर्न, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिल्ड्रन सेविंग, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ट्रैवल इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, तो इससे रिलेटेड ये काम करता है। एज वेल एज बात की जाए लोन वगैरह से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, तो बैंकिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, तो इसलिए इस कंपनी पर ध्यान देना है हमें। एक बार IPO आएगा है वो तो अप्लाई करना ही करना है, बट अगर बात करें जैसे ही ये IPO लाएगा तो देखिए अच्छी अच्छी न्यूज़ तो यहाँ पर पाइपलाइन में है ही, ओके, और मेरे ख्याल से इन्होंने अप्लाई कर दिया, ये मतलब सेबी का एक नोड की इंतजार कर रहे हैं, और अगर नोड आ गया तो अगले महीने ही ये शायद IPO भी ला सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके की न्यूज़ है। तो बात करें InfoEdge, तो InfoEdge की हम बात कर रहे थे, तो InfoEdge की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें InfoEdge के अलग अलग टारगेट येस बैंक ने 5,000 का दिया है जो कि लगभग होने ही वाला है, और बात करें यहाँ पर शेर खान ने 6100 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है 4 दिन पहले ही 6100 रुपये का टारगेट। अगर बात करें InfoEdge शेयर की तो यहाँ पर कितने का प्राइस चल रहा है, अगर बात करें तो 4780 रुपये का प्राइस चल रहा है। और मैंने ये शेयर आपको कब बताया था, मैंने ये शेयर आपको 4142 रुपये पे जब ये शेयर आया था हमेशा वीडियो आपको बना के बताया कि इसे बाय ऑन डिप्स करिए अच्छा खासा रिटर्न आपको फ्यूचर में देता हुआ मिलेगा। तो मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूँ, तो अगर हम बात करें यहाँ पर InfoEdge, तो यहाँ पर अगर हम InfoEdge की साइट्स पर भी देखते हैं, ओके, तो InfoEdge की साइट्स पर देखिए आपको Naukri.com दिख रहा है, देखिए आर बिजनेस, Naukri.com, Naukri.gulf.com, शिक्षा, जीवन साथी, 99A का, FirstNaukri.com, ओके, एज वेल एज अगर बात की जाए ये किस किस और में है बिजनेस में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये बिजनेस और किसमें यूनिकॉर्न बिजनेस है जो इनका जोमेटो में 22.7% के स्टेक जो कि IPO के अप्रूवल का यहाँ पर देखिए वेट कर रहा है, अप्रैल में शायद यहाँ पर IPO आता हुआ मतलब टू फिल कर दे IPO के लिए। अगर बात करें यहाँ पर दूसरा अगर तो यहाँ पर देखिए policybazaar.com में इसकी 15.1% का स्टेक यहाँ पर है, और जैसे ही ये कंपनी लेके आएगी अपना IPO policybazaar.com तो इसका सीधा फायदा होगा InfoEdge.com में, और InfoEdge.com आपको अच्छा खासा InfoEdge आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हुए दिखाई देगा हम लोगों का, अगर हम आज से ही प्रिपरेशन करते हैं तो आज से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तभी जाके हमारा ये शेयर हम नीचे लेवल पर ले पाएंगे। अगर हम कल की वेट करेंगे कि IPO आएगा तब हम देखेंगे तब हम खरीदेंगे तो उस टाइम पर फिर ये भागता हुआ नजर आएगा और ये आप लोग फिर पीक पर ले लेंगे, और पीक पर लेने के बाद फिर शेयर का प्राइस गिरता है तो फिर आप लोग डर जाते हैं। इसलिए कहता हूँ ऐसी कंपनी में हमेशा अपना बना के रखिए, हमेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर बात करें लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 में भी कभी भी इसकी एंट्री हो सकती है, बहुत अच्छी कंपनी है। डेट की बात की जाए ना के बराबर डेट है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ओके, एज वेल एज बात की जाए ROCE की, ROCE अभी छोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी चीज़ें तो यहाँ पर ईयरली वाइज अगर हम रिटर्न देखते हैं ईयरली वाइज यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स 2009 में 246 करोड़ की सेल्स थी जो कि आज की डेट में 1151 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा नेगेटिव आया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन का पीरियड, क्योंकि इनके का जो बिजनेस है काफी अच्छे चले नहीं लॉकडाउन में, बट स्टिल शेयर का प्राइस भागता हुआ नजर आया जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहां 57 करोड़ का प्रॉफिट 10 साल के अंदर अंदर 1220 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, तो आप अगर यहां से काउंट करेंगे तो ये लगभग 20% या अगर बात करें अच्छे खासे लेवल पर यह चेंज होता हुआ हमें नजर आया है। तो रिजर्व्स की बात करें कंपनी के पास बड़े हैंडसम रिजर्व्स है, 4335 करोड़ रुपए के रिजर्व्स। अगर बोरिंग की बात करें ना के बराबर बोरिंग 69 करोड़ रुपीस की बोरिंग है, अभी ये डेटा अपडेट हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ देख लेते हैं, हाँ देखिए बोरिंग यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है एक मिनट, यहाँ पर देखिए दिसंबर में भी इनका एक इतना इंटरेस्ट गया था, हाँ तो छोड़िए इनकी बोरिंग देखिए अभी 69 है, दिसंबर में भी आई थिंक 69 की ही बोरिंग है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की
बता दी है मैंने आपको 38.47% की हिस्सेदारी है, बट FIIs 40% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है। अभी नया डेटा आएगा, रिजल्ट्स वगैरह आएंगे। DIIs की बात करें 11% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास इनकी कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर ये 4% की हिस्सेदारी और 5% की हिस्सेदारी निकाल देते हैं, तो केवल और केवल 4% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। बाकी सारी हिस्सेदारी FIIs, DIIs, HNIs एज वेल एज बात करें यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है। तो इस कंपनी में पैसा आज की डेट में लगाओगे तो कल की डेट में आपका पैसा बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे चलता है। और गुड न्यूज़ आपको आ चुकी है, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के जो है मालिक, तो उन्होंने यहाँ पर IPO में अपना स्टेक यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। ओके, और ले लिया हैज़ ब्रॉट अ स्टेक इन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स नॉर्थ हैज़ सोल्ड अ पार्ट ऑफ स्टेक, तो इन 2-5 डिफरेंट फॉर्म्स, तो 5 अलग अलग कंपनीज में ओके फॉर्म्स को इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेचती हुई हमें नज़र आई है। और ये देखिए इस IPO आने ही वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड फॉर द IPO इन 2021, तो कभी भी IPO आता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर Zomato का भी IPO ओके एज वेल एज बात करें इनके रिजल्ट्स भी कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी विंडो बंद है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स शायद आपको कब आएंगे तब वो यहाँ पर दिखता हुआ हमें नज़र आएगा 48 आवर्स के बाद। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखिए, हमेशा ये शेयर यहाँ पर आकर बार बार यहाँ पर आता है ओके, और आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ भागा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद एक बार यहाँ सपोर्ट लिया और इसके बाद भागता हुआ। और इस तरीके की जब चीज़ें निकलनी होती है ना, फिर अब निकलती हुई नज़र आएगी, और जब निकलती हुई नज़र आएगी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न का मतलब ये 6,000 रुपये मुझे साफ दिख रहा है जो शेर खान ने यहाँ पर दिया है 6,000 रुपये। और फिर अगर Zomato और एक का भी IPO की और न्यूज़ आ जाती है, फिर ये भागता हुआ नज़र आएगा और 10,000 का आपको टारगेट देता हुआ नज़र आएगा। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको बताना था कि क्या क्या न्यूज़ है, कि आपको किस तरीके से किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार है तो आप अपना डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकते हैं, एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको हमेशा डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।